आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि हमने फिरकैन के वकला को सुना है, जजेस कमरा अदालत पहुंच गए हैं, अहम समात के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। वक्फे के बाद जजेस कमरा अदालत पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि हमने फिरकैन के वकला को सुना है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई है। आपको बताएं कि जजेस कमरा अदालत पहुंच चुके हैं, फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक चीफ जस्टिस फैसला सुना रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई, हमने फिरकैन के वकला को सुना है, फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक चीफ जस्टिस फैसला सुना रहे हैं। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से, फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक चीफ जस्टिस फैसला सुना रहे हैं, फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई, हमने फिरकैन के वकला को सुना है। आपको बताएं कि जजेस कमरा अदालत पहुंच गए हैं और अब फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक वक्फे के बाद एक बार फिर से जजेस पहुंचे हैं और चीफ जस्टिस अब फैसला सुना रहे हैं। फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक फैसला है जो कि अब चीफ जस्टिस सुना रहे हैं। उनका कहना है, उनके ये रिमार्क सामने आ रहे हैं कि फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से जो तमाम तर इस्तदा थी वो की गई और वो हमने सुनी है, तमाम फ्रीकैन के वकला को सुना है। आईने पाकिस्तान के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी वोट देने की हिदायत देती है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है। बिल्कुल, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी वोट देने की हिदायत देती है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A से मुतालिक 17 मई को मुख्तसर फैसला दे चुकी है। फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक चीफ जस्टिस फैसला सुना रहे हैं। फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई थी। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया हमने फिरकैन के वकला को सुना है। आपको बताएं कि वक्फे के बाद जजेस कमरा अदालत में इस वक्त मौजूद हैं और फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक चीफ जस्टिस ये फैसला सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी वोट देने की हिदायत देती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A से मुतालिक 17 मई को मुख्तसर फैसला दे चुकी है। फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमने फिरकैन के वकला को सुना है। अभी आपको बताएं कि फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। आपको बताएं कि जजेस की जानिब से फैसला सुनाया गया है, फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। बिल्कुल, आपको अहम खबर दे रहे हैं, फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। इससे पहले मुत्तहदा जो इत्तेहादी हुकूमत के साथ इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से जो इस्तदा की गई थी उसको पहले मुस्तरद किया गया, जिसके बाद तमाम तर फ्रीकैन के दलायल सुने गए कि क्यों फुल कोर्ट जो है उसे तश्कील दिया जाए, और दलायल सुनने के बाद अब ये फैसला सुना दिया गया है कि फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। जबकि आपको ये भी बताया चले कि केस की समाअत अब कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर यह समाअत जारी थी, जिसमें यह दरख्वास्त की गई थी कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और ये दलायल दिए गए थे वकला की जानिब से, इरफान कादर की जानिब से ये दलायल दिए गए थे कि ऐसा लग रहा है कि बेंच पर कोई दबाव है। जबकि मुतहदा जो जमातें हैं हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उन्होंने ये कहा कि बेंच फिक्सिंग किसी तौर पर भी काबिले कबूल नहीं है, ये भी एक जुर्म है। और अब आपको बता रहे हैं कि बड़ा फैसला अदालत की जानिब से आ गया है और फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत जारी थी। सुबह से हमने देखा कि दलाइल देने का सिलसिला जारी था और अब ये फैसला सामने आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है, कि इसकी समाअत भी कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है।